आई की इंग्लिश की पोईम है ये स्पाइडर एंड द फ्लाई ठीक है बहुत अच्छी पोइम है इससे आपको ह्यूमन की साइकोलॉजी के बारे में मालूम पड़ता है इंसानों की जो साइकोलॉजी है ये भी आपको इस पोएम के थ्रू मालूम पड़ेगा ठीक है चलिए लेट्स बिगिन ऑथर है इसकी मैरी हॉवेट इंग्लिश इंग्लैंड की ये पोइट थी काफ़ी लंबा जी एट्टी के आसपास इनकी लाइफ थी तो अच्छी ये पोइट थी मैरी हॉवेट ठीक है तो ये थोड़ा सा ऑथर के बारे में हल्का सा बताया मैंने आपको पता होना चाहिए फिर अब स्टार्ट करते हैं इस पोएम को ये पोएम है एक एक तो उसमें मकड़ी है स्पाइडर एक है मक्खी फ्लाई ठीक है तो यहां तो ये स्पाइडर है और ये आपका इस तरह से फ्लाई है अब नॉर्मली क्या होता है जो स्पाइडर होता है वो ऐसे जाला बनाता है वेब बनाता है अपना और जो फ्लाई होती है इसको ना ये लालच देता है कि तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ ये इसको लालच क्यों देता है फ्लाई को क्योंकि जैसे ही ये फ्लाई इसके अंदर आएगी स्पाइडर को खा जाएगा ठीक है तो ये फ्लाई जो है वो स्पाइडर का खाना है उसका भोजन है ठीक है ये इसके ऊपर इसके लिए प्रे है ठीक है प्रे मतलब ये इसको खाएगा अब खाएगा तो ये फ्लाई ऐसे तो आएगी नहीं स्पाइडर ऐसे उड़ के तो जा नहीं सकता फ्लाई को खाने के लिए तो ये लालच देता है कि किसी तरह से फ्लाई इसके जाल में आ जाए जैसी इसके जाल में आएगी ही स्पाइडर इसको खा जाएगा अब जाल में लाने के लिए ना स्पाइडर बहुत टेक्टिक्स लगाता है साइकोलॉजी से खेलता है ठीक है तो पोइट ने कोशिश करी है ये दिखाने के लिए कि जैसी साइकोलॉजी स्पाइडर खेलता है फ्लाई के साथ उसको लालच देता है उसको ग्रीड के थ्रू उसको मैनिपुलेट करता है ऐसे ही इंसान भी करते हैं तो ह्यूमन साइकोलॉजी को ये इस स्टोरी के थ्रू बहुत ब्यूटिफुली पोइट दिखाता है चलिए लेट्स वेगन अब देखते हैं will you walk into my parlor set the spider to the fly it is the prettiest little parlor that ever you did spy the way into my parlor is up <coughs> a winding stair and i have many curious thing to show show when you are there theek hai ab kya hai ye spider keh raha hai fly ko ki bhaiya ki kya tum mere parlor mein aaogi देखो words देखो spider के ध्यान से spider ये नहीं कह रहा मेरे जाले में आओगी spider कह रहा मेरे पार्लर में आओगी पार्लर में आओगी मतलब कि आओ तुम यहां पे और सजो सवर सजो यहां पे ठीक है अपने आप को डेकोरेट करो तो स्टार्टिंग से ही जो स्पाइडर है वो ब्यूटीफुल वर्ड्स यूज कर रहा है जो देखो मोस्टली भी आप देखोगे जो दुनिया में जितनी भी ईवल चीजें होती है ना खराब चीजें उसको ब्यूटीफुल वर्ड्स के थ्रू डेकोरेट करते हैं हम ठीक है जो खराब चीजें होती हैं उसको ब्यूटीफुल वर्ड से डेकोरेट किया जाता है तो आप देखो ये जाल है जाल खराब है लेकिन वो ये नहीं बोल रहा कि तुम मेरे जाल में आओ वो कह रहा है तुम मेरे पार्लर में आओ ब्यूटी पार्लर में ठीक है फ्लाई को कह रहा है तुम ब्यूटी पार्लर में आओ यहाँ पार्लर लिटिल पार्लर इतना, खुपसूर, इतना तुमने देखा नहीं होगा जिसको तुम सीक्रेटली देखती रहती हो स्पाई मतलब होता है, सीक्रेटली देखना को। तो कहता है आओ तुम इसको सीक्रेटली देखती रहती हो आओ ये बहुत अच्छा पार्लर है तुम्हारे लिए इनविटेशन दे रहा है फ्लाई को ब्यूटीफुल वर्ड्स में दें टू माई पार्लर इज अपर वो कह रहा है मेरा जो पार्लर है ऐसा लगेगा तुम्हें कि एक स्टेयर की तरह है तुम्हें तो ऊपर लेके जा रहा है ठीक है तुम्हें तो आगे की तरफ लेके जा रहा है ये इस तरह से तुम्हें तो लगेगा मेरा पार्लर तुम्हें और वो कह रहा है मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जब तुम आओगी ना मेरे पार्लर में मतलब मेरे जाले में फंस जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा वो ये नहीं बोल रहा है मेरे जाले में फंस जाओगी बोल्टा वो ये बोल रहा है ये पार्लर बहुत खूबसूरत है तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और जैसे ही तुम यहाँ मेरे पार्लर में आओगी ना तो तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा मैं

इस जिसको तुम तो वाइंडिंग स्टेयर बोल रहे हो वाइंडिंग स्टेयर मतलब वो जाले को रेफर कर रहा था आपने वो कह रही है ये जो तुम्हारा मकड़ी का जाला है ना यहाँ पे जो एक बार चला जाता है फिर वापस नहीं आता मुझे बहुत अच्छे से पता है ये तुम ट्रैप खेल रहे हो ठीक है आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी डियर अब फिर दोबारा स्पाइडर फिर उसको देखो लालच दे रहा है आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी वेरी मतलब टायर्ड ठीक है वो कह रहा है कि तुम बहुत टायर्ड हो गई होगी क्योंकि तुम पूरे हवा में उड़ती रहती हो स्पाइडर कह रहा है तुम पूरे हवा में उड़ती रहती हो तो तुम थक गई होगी तो तुम आके मेरे जाले में जाला तो वर्ड बोल नहीं रहा हो वो कह रहा है तुम आके मेरे इसमें जो वेब है ठीक है मेरे यहाँ पे आओ और लिटिल बेड तुम्हारे लिए बेड बन, बना रखा है मैंने इस बेड में तुम जाके जो मेरा जाला है तुम्हारे लिए बेड का काम करेगा ठीक है तो तुम आओ और आराम करो पूरे दिन तुम हवा मोड़ती रहती हो थक गई होगी तुम्हारे लिए मैंने बेड बिछा रखा है ये मेरा जो जाला है ना ये मेरा जो होम है ये तुम्हारे लिए एक बेड का काम करेगा तो तुम आ जाओ अब देखो ये वो कहीं ये नहीं बोल रहा देखो वर्ड्स को देखो उसने ये नहीं बोला मेरे जाले में आओ मेरे वेब में आओ वो कहता है लिटिल बेड है वो अपने जाले को बेड बता रहा है मतलब यहां पर ईवल है, है? है, तो है वो चाहता है वो जाले में फंस जाए और उसको खा जाए लेकिन वो ये नहीं बोलता मेरे जाले में आओ या वो उसको वर्ड्स कैसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्ड्स बोल रहा है कि मेरे बेड में पहले बोल रहा है पार्लर में आ जाओ फिर कह रहा है तुम थक गई होगी तुम्हारे लिए बेड लगा रखा है तुम बेड में आ जाओ

लेकिन फ्लाई फिर बहुत तेज है फ्लाई कहती है ओ नो नो सेट द लिटिल फ्लाई फॉर आई हैव ऑफन हर्ड इट सेट वेक अगेन हु स्लीप अपॉन योर बेड अब देखो फ्लाई भी तेज है फ्लाई कहती है मैंने सुना हुआ है मैं नहीं आऊंगी क्योंकि जो तुम्हारा बेड है यहाँ जो एक बार आ जाता है फिर दोबारा उठता ही नहीं है फ्लाई को पता है कि पहले भी पास्ट में इस तरह से फ्लाईज वहां गई हैं और वो मर गई हैं तो फ्लाई ये बात जानती है आगे बढ़ते हैं सेट द कनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई डियर फ्रेंड व्हाट कैन आई डू टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई हैव ऑलवेज फेल्ट फॉर यू अब वो स्पाइडर कह रहा है उसको फ्लाई को कि डियर फ्रेंड देखो वर्ड्स देखो फिर उसको ये बोलता है डियर फ्रेंड लालच दे रहा है ग्रीड दे रहा है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हमेशा ना बहुत अच्छा सोचता हूँ तो अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ कि तो मैं प्रूफ कर हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचता हूँ अच्छा फील करता हूँ ठीक है तो ये फिर दोबारा जो स्पाइडर है ब्यूटिफुल वर्ड्स यूज कर रहा है मैनिपुलेट कर रहा है फ्लाई को आई हैव विद इन माई पैट्री गुड स्टोर ऑफ ऑल वगैरह खाने के लिए भी बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ है पैंट्री मतलब जब खाना बनता है ठीक है वगैरह मेरे मेरे पास खाने के लिए भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रखा है तुम आ जाओ रसोई है मेरे पास बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए sure वगैरह खाने के लिए तुम्हारे लिए रसोई में, में मेरी बहुत अच्छा खाना रखा है तो तुम आओ खाने की एक स्लाइस खा के देखो अब दोबारा देखो अब स्पाइडर फ्लाई को लुभा रहा है लालच दे रहा है भैया खाना बना है रसोई में मेरे बहुत अच्छा बना है आ जाओ एक स्लाइस खा के तो देखो खाने की

ठीक है बहुत वाइज बिग उसको पता है स्पाइडर जानता है कि जो फ्लाई है बड़ी तेज है ये समझ रही है मेरे टैक्टिक्स को हाउ हाउ हैंडसम आर आर योर गोजी विंग्स ब्रिलियंट आई अब देखो तारीफ करना शुरू कर दी दोबारा स्पाइडर तारीफ कर रहा है फ्लाई की कि तुम्हारे विंग्स कितने अच्छे हैं तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं ठीक है आई आईव लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर शेल्फ इफ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट डियर यू शेल बीहोल्ड यूर कि मेरे यहाँ पे ना मेरे पार्लर में एक मिरर है ठीक है तुम आओ अपने आप को देखो सजो सवरो ठीक है एक बार तो आके तो देखो फिर दोबारा ये देखो पहले इसने तारीफ करी पहले इसने बोल दिया कि क्या कैसे तारीफ करी इसने बोला कि तुम्हारे विंग्स बहुत अच्छे हैं तुम्हारे पंख बहुत खूबसूरत है तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है तो मेरे पार्लर में मिरनर लगा हुआ है तो एक बार आके देखो तुम देख तो लो कैसे लगती हो तुम एक बार शीशा लगा हुआ है ना एक बार मिरर में आके देखो तुम तो बहुत खूबसूरत हो तो उसकी अब बॉडी की तारीफ कर रहा है वो खूबसूरती की तारीफ कर रहा है और उससे कह रहा है मेरे यहाँ पे आके देखो शीशा लगा है देखो कितनी खूबसूरत हो तुम तो आप दोबारा देखोगे ये यहाँ पे तारीफ करके उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है ठीक है फिर यहां पे आई थैंक यू जेंटल शी सर शीज सेट यू हैव प्लीज टू से एंड यू गुड मॉर्निंग नाउ आई एल कॉल एन डे अब वो क्या कह रही है देखो फ्लाई फ्लाई कह रही है कि थैंक यू सर ठीक है मुझे मालूम है आप क्या कहना चाहते हो मैं बहुत खुश हुई आपकी इस तारीफ से आपने मेरी तारीफ करी और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से ठीक है फॉर वट यू आर प्लीज टू से लेकिन अभी के लिए मैं आपको गुड मॉर्निंग कहती हूँ मैं किसी और दिन आती हूँ ठीक है अब देखो थोड़ा सा आप देखोगे यहां पे फ्लाई का भी जो एटीट्यूड है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है जैसे इसने बोला यू गुड मॉर्निंग नाउ आई विल कॉल इन अ डे पे ये मालूम पड़ रहा है कि अब थोड़ा सा फ्लाई के भी ना दिमाग में आ रहा है कि शायद चल को एक बार देख लेते हैं क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि मैं नहीं आऊंगी उसने बोला है कि अभी के लिए गुड मॉर्निंग है किसी और दिन देखती हूँ अब किसी दिन और दिन देखती हूँ तो यानी कि कहीं ना कहीं फ्लाई का माइंड भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है उसको भी लग रहा है कि शायद एक बार जाके देख लूँ शायद क्योंकि उसने देखो हंड्रेड परसेंट अगर सर्टेन होती है नहीं जाना तो यहाँ मना कर देती मैं नहीं आऊंगी जो मर्जी कर लो लेकिन उसने ये नहीं बोला उसने बोला अभी के लिए तो गुड मॉर्निंग है लेकिन मैं किसी और दिन भी ट्राई कर सकती हूँ ठीक है किसी और दिन देखती हूँ ठीक है तो किसी और दिन देखती हूँ यानी कि डाउटफुल है हो सकता है वो आ जाए ठीक है तो थोड़ा सा अब उसका माइंड चेंज हो रहा है पहले तो शुरू में तो देखो आप कंप्लीटली मना कर रही थी मैं नहीं आऊंगी मैं नहीं आऊंगी लेकिन आप अब फ्लाई है कि शायद मैं किसी और दिन देखती हूँ आई विल कॉल अनदर डे तो यहाँ पे आप थोड़े जो स्पाइडर की जो बातें हैं ना लुभावनी बातें तारीफ करी है उसने उसकी उससे थोड़ा सा उसका माइंड चेंज हो रहा है फ्लाई का ठीक है द स्पाइडर अराउंड अबाउट एंड वेंट डेन फॉर वेल ही न्यू सिली फ्लाई वुड कम बैक सुन अब क्या होता है जो स्पाइडर है वो अपना मुंह उधर की तरफ कर लेता है और अपने उसमें चला जाता है जाल में वापस और वो जानता है कि जो फ्लाई है वो बेवकूफ है और वो दोबारा आएगी ठीक है So he a in a जाके एक कॉर्नर में दोबारा उसको बनाना स्टार्ट कर देता है, है। क्योंकि वो तैयार कर रहा है कि फ्लाई आएगी और उसको खाना है ठीक है फिर ये दोबारा आ जाता है वापस जाला वाला बना के फिर वापस बाहर आता है और फिर दोबारा बोलता है पिटी फ्लाई को तुम आओ ठीक है और जो तुम्हारी विंग है फिर तारीफ करता है विद द पर्ल एंड सिल्वर विंग ठीक है फिर विंग की एक तरीके से तारीफ कर रहा है योर रोब्स आर ग्रीन एंड पर्पल देर क्रेस्ट अपॉन योर हेड फिर देखो फिर तारीफ कर रहा है तुम्हारे कपड़े बहुत खूबसूरत हैं ग्रीन है पर्पल है और एक क्रेस्ट है क्राउन है तुम्हारे हेड पे क्रस्ट मतलब क्राउन है कि तुम्हारे हेड पे क्राउन है योर आइज आर लाइक दैट डायमंड ब्राइट बट माइन दट डल इज लेट अब देखो उसकी तो तारीफ कर रहा है फ्लाई की और अपने आप को डिप्रिशिएट कर रहा है अपने आप को नीचा दिखा रहा है कैसे दिखा रहा है बोल रहा है तुम्हारी जो आंखें हैं वो डायमंड की तरह ब्राइट है पर मेरी तो डल है लेड की तरह तो उसकी तो तारीफ कर दी और खुद को डाउन दिखा दिया तो ये टेक्टिक है उसकी ठीक है तो ये ब्यूटीफुल वर्ड्स से प्ले कर रहा है साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है फ्लाई की ठीक है अलास अलास हाउ हाउ वेरी सून दिस सिली लिटिल फ्लाई हियरिंग हिज विली फ्लैटरिंग वर्ड्स कम स्लोली फिटिंग बाय अब देखो <coughs> अब क्या हो रहा है धीमे धीमे जो ये लिटिल फ्लाई है ना अब ये बेवकूफ़ बन रही है और ये इतनी तारीफें सुन सुन के ना कि उसने बोला कि आंखें तुम्हारी बहुत खूबसूरत हैं तुम्हारे ग्रीन पर्पल कलर के कपड़े हैं तुम्हारे सिर के ऊपर एक क्राउन रखा हुआ है ताज रखा हुआ है तो ये चीजें सुन सुन के ना वो फ्लैटर हो जाती है फ्लाई और वो धीमे धीमे आ जाती है ठीक है पास आ जाती है उस जाल के विद बजिंग हंग नियर एंड नियर एड थिंकिंग ओनली ऑफ अ ब्राइट आइज एंड ग्रीन एंड पर्पल ह्यू थिंकिंग ओनली ऑफ अ क्रस्टेड हेड पुअर फुलिश थिंग एट लास्ट Upon the तो सोच रही होती है जो जो तारीफ की थी ना स्पाइडर ने उनके बारे में सोचती हूँ अपनी ब्रिलियंट आइस के बारे में सोचती है सोचती है कि मैं सच में मेरी कितनी ग्रीन और पर्पल कलर का मेरा कलर है मेरे चेहरे कितना, पर सच में मेरा हेड के ऊपर सच में कितना बड़ा क्राउन लगा हुआ है तो ये सब जो उसकी बातें थी उसके बातों के अंदर आ जाती है और उन बातों को इमेजिन करना शुरू कर देती है कि मैं सच में कितनी खूबसूरत हूँ जो स्पाइडर ने बोला है ठीक है लेकिन जैसे ही वो पास आती है वैसे ही स्पाइडर आता है कनिंग स्पाइडर और उसको पकड़ लेता है दुबोच लेता है अपने पंजों में ही He within his little parlor, but she will never come out again. अब उसको पकड़ लेता है और दबोच के उसको अपने जाले में ले जाता है और फिर वहां पर जाके खत्म कर देता है मार देगा आप क्योंकि अब तो वापस आई नहीं पाएगी क्योंकि मार दिया पर उसने अपने बातों से स्पाइडर ने लुभावनी बातों से साइकोलॉजी की टैक्टिक्स खेल खेल के माइंड गेम खेल खेल के उसको फंसा लिया और अंदर ले जाके मार दिया अब देखो यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है अब अपोइट एंड में हम सबको एक एडवाइस दे रहा है क्या दे रहा है एडवाइस दे रहा है देखो एंड नाउ डी अ लिटिल चिल्ड्रन मे रीड दिस स्टोरी रेड वो कह रहा है कि जितने भी बच्चे हैं जो इस कहानी को पढ़ रहे हैं आप सुनो ध्यान से मेरी बात अब अपोइट कह रहा है टू आइडल सिली फ्लैटरिंग वर्ड्स आई प्रे नो यू नेवर हीड हीड मतलब ध्यान देना तो मतलब क्या है इस लाइन का इस लाइन का मतलब ये है कि पोइट कह रहा है कि ये जितनी भी बटरिंग वाली बातें होती हैं ना जो लोग तुमसे बहुत ज़्यादा तुम्हारी तारीफ़ें करते रहते हैं तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते रहते हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो तुम बहुत खूबसूरत हो तुम बहुत हैंडसम हो तो ऐसी ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत देना इनके पीछे ना कि तुम्हें मैनिपुलेट करके तुम तुमसे अपना काम निकलवाना चाहते हैं जो लोग तुम्हारी कभी भी देखो वैसे भी बताऊं लाइफ में कभी भी कोई भी इंसान जो तुमसे बहुत स्वीट स्वीट बातें कर रहा है और बहुत ज्यादा जबरदस्ती की तारीफें करे जा रहा है ठीक है जबरदस्ती की आप फ्लैटर कर रहा है जबरदस्ती का तुम्हारा प्लेस कर रहा है ठीक है तो थोड़ा वहां पे ना कॉशियस रहना कहीं ना कहीं उसमें एक जाल होता है वो इंसान तुम्हें मैनिपुलेट करके अपना काम निकलवाना चाह रहा है तो पोइट तुम्हें वॉर्न कर रहा है कि लोगों के सिर्फ आउटर अपीरियंस पे मत जा करो इस चीज पे मत जा करो कि लोग कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं ज्यादातर उसमें टेक्टिक्स होती हैं पीछे

जितने ये जो तुम्हें मैंने पूरी कहानी सुनाई है स्पाइडर और फ्लाई की पोइट कह रहा है इससे कुछ सीखो इससे तुम्हें क्या सीखना है तुम्हें ये सीखना है कि जो भी लोग तुमसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं ठीक है जो भी लोग तुम्हारी जबरदस्ती की तारीफें करे जा रहे हैं जो भी लोग तुम्हारे अन्य सस्त तुम्हें फ्लैटर करे जा रहे हैं थोड़ा सा उनसे कॉशियस रहना ठीक है अब देखो इस पोईम का मतलब ये नहीं है कि पोइट कह रहा है कि कोई भी इंसान अगर तुमसे प्यार से बात करे तो वो गलत है नहीं नहीं ये मतलब है है उसका वो कह रहा है अगर कोई इंसान जबरदस्ती की तुम्हारी तारीफें करे जा रहा है जबरदस्ती की तुम्हें बटरिंग करे जा रहा है है ठीक और ज्यादा ही तुमसे कुछ मीठा बनने की कोशिश कर रहा है नॉर्मली वो इतना मीठा नहीं है लेकिन तुम्हारे सामने ज्यादा ही मीठा बनने की कोशिश कर रहा है ठीक है तो उसका रियल नेचर तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप कॉशियस रहना कि जब लोग तुम्हारे सामने ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा मीठे बने और जरूरत से ज्यादा तुम्हारी तारीफ करें तो वहां पर आपको कॉशियस रहने की जरूरत है तो यहां पे एक प्रिकॉशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से यह स्टोरी लिखी गई है बताने के लिए कि जो हमें हमेशा दिखता है ऐसा नहीं होता पीछे हो सकता है रियलिटी कुछ और ही हो इंसान की वो आपके साथ कुछ माइंड गेम्स खेल रहा हो तो वाइज ये था आज का ये पोइम अगर पोइम अच्छी लगी तो काइंडली उसको सबका गाइडेंस शेयर जरूर करिएगा कमेंट करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हैव अ नाइस डे बाय बाय टेक केयर